ये बात है 1930 की। जापान के एक साइंटिस्ट कोचिची मिकिमोटो अपने लैब में आर्टिफिशियल पल्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये पल्स दिखने में हूबहू असली मोतियों जैसे थे और उन्होंने बेहद कम खर्चे पर इन्हें बनाया था। जापान के इन कल्चर्ड पल्स ने पर्ल इंडस्ट्री में जबरदस्त रिवोल्यूशन ला दिया। लेकिन इस रिवोल्यूशन के कारण सबसे बड़ा झटका लगा एक छोटे से खाड़ी देश कतर को, क्योंकि कतर उन दिनों दुनिया के सबसे बड़े पर्ल एक्सपोर्टर्स में से एक था। यहाँ के लोग पिछले 7000 सालों से मोती चुनते आ रहे थे। कतर की कैपिटल सिटी दोहा के पास एक शहर है अलबिदा। सदियों पहले कुवैत की खलीफा फैमिली ने यहाँ आकर मोती चुनने के काम को बढ़ावा दिया था। इतिहास बताता है कि कतर के पास फारस की खाड़ी में एक बहुत बड़ा पर्ल बैंक हुआ करता था, जहाँ बेशुमार मोती जमा थे। लेकिन इन्हें चुनना इतना आसान नहीं था। मोती निकालने के लिए लोग महीनों महीनों तक पानी के बीचों बीच अपने बोट पर रहते थे। जो शख्स पानी में से मोती निकाल कर लाता उसे पर्ल डाइवर कहा जाता था। इन पर्ल डाइवर्स को पैरों पर भारी भरकम पत्थर और गर्दन के चारों तरफ जाल बांधकर पानी में उतरना होता था। जैसे जैसे वो गहराई में जाते, वैसे वैसे जाल में पर्ल के शीप जमा हो जाते और जब ये भारी हो जाता तो पर्ल डाइवर पानी से बाहर आ जाते। इस जाल को वो बोट पर खाली कर देते और फिर से गहरे पानी में डाइव करते। ज्यादा से ज्यादा पर्ल मिले इसलिए पर्ल डाइवर्स इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते, लेकिन इसी वजह से बहुत से पर्ल डाइवर्स पानी में ही समा जाते और कभी घर नहीं लौट पाते थे। कतर में मोती चुनने का ये काम मई से शुरू होता और सितंबर तक चलता था। कतर के लोग इस पीरियड को पर्लिंग सीजन कहा करते थे। पर्लिंग सीजन की शुरुआत में ये लोग अलदाशा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, जिसमें घर के पुरुष अपनी बोट्स को पानी में उतरने के लिए तैयार करते। वहीं महिलाएं अच्छा खाना पकाती, हर घर में नाच गाना होता, जश्न मनाया जाता और अगले दिन उन्हें मोती चुनने के लिए रवाना किया जाता। उस पीरियड में घर की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होती थी। ये वक्त परिवार वालों के लिए बेहद कठिन होता था, क्योंकि वो ये तक नहीं जानते थे कि उनके अपने मोती चुनकर सही सलामत लौट पाएंगे भी या नहीं। हालांकि सितंबर में जब ये लोग मोती चुनकर घर आते तो इनके आने की खुशी में और भी बड़ा फेस्टिवल अल गुफाल सेलिब्रेट किया जाता था। इस तरह मोती चुनना ना सिर्फ कतर के लोगों का ऑक्यूपेशन था, बल्कि ये उनके ट्रेडिशन से भी जुड़ा था। पर्लिंग सीजन के बाद जितने भी शीप इकट्ठा होते उनसे मोती निकालकर दुनिया के दूसरे देशों में बेचे जाते। कतर के ये मोती लाखों रुपए में बिकते थे। इनका इस्तेमाल बड़े बड़े रईस लोगों और राजा महाराजाओं की ज्वेलरी बनाने में किया जाता था। कतर के आधे से ज्यादा आबादी इसी काम में लगी थी, लेकिन 1920 आते आते हालात तेजी से बदलने लगते हैं। हुआ यूं कि 1925 में फारस की खाड़ी में एक भयानक तूफान आया। इस तूफान ने इतनी तबाही मचाई कि 8000 लोग मारे गए। 1930 में जापानीज कल्चर्ड पर्ल्स ने यहाँ की पर्ल इंडस्ट्री को खत्म ही करके रख दिया, जिसके बाद कतर के लोग देश छोड़कर जाने लगे और देखते ही देखते यहाँ की आबादी महज 24000 के करीब रह गई। कतर खाली होने के कागार पर आ गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कतर की तकदीर को बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि 1939 में कतर की एक कंपनी कतर पेट्रोलियम ने कतर गवर्नमेंट और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के साथ मिलकर दुखान फील्ड में एक बहुत बड़े ऑयल रिजर्व की खोज की। इसके कुछ सालों बाद 1971 में कतर के नॉर्थ फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व मिला, जो 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। कतर ने दूसरे देशों को ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट शुरू किया और जैसे जैसे वर्ल्ड मार्केट में ऑयल और गैस की डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे कतर अमीर बनता गया। आज कतर न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, बल्कि अपने बेहतर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कारण ये दुनिया की सबसे सफल मीडिएटर कंट्रीज में से भी एक है। जहाँ जहाँ दो देशों के बीच भिड़ंत होती है, कतर समझौता करवाने पहुँच जाता है। हाल ही में इसराइल और हमास की जंग में मीडिएटर बना कतर इंडियन मीडिया की सुर्खियों में तब आ गया जब उसने भारत के 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स की फांसी की सजा को कम कर दिया। ये सारे ऑफिसर्स कतर की दहरा ग्लोबल कंपनी में काम करते थे और इन्हें जासूसी के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 12 फरवरी को इन्हें अचानक रिहा करके कतर ने सबको चौंका दिया। भारत आकर इन नेवल ऑफिसर्स ने पीएम मोदी को थैंक्स कहा।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन साथ ही एक और शख्स का भी धन्यवाद किया जो थे कतर के अमीर अहमद तमीम बिन हमद अल थानी। अल थानी कतर के सबसे ताकतवर शख्स हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मिली सजाए मौत को माफ कर सकते हैं, अपनों को छुड़ाने के लिए अरबों डॉलर की फिरौती दे सकते हैं। लंदन में क्वीन से भी ज्यादा जमीन इनके पास है और ये इतने बेबाक हैं कि इतिहासकार इनके परिवार को पड़ोस का सबसे मुश्किल परिवार कहते हैं। यूं तो अल थानी परिवार बरसों से कतर पर राज कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये सऊदी अरब के रेगिस्तान में रहा करते थे और माना जाता था कि गौर करने लायक ही नहीं है। फिर इन्हें कतर की हुकूमत कैसे मिली, कैसे कतर के अमीर ने पूरे देश को रईस बना दिया और कैसे बना कतर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मीडिएटर कंट्रीज में से एक। कतर की अल थानी फैमिली को गल्फ ऑफ पर्शिया की बिगड़ी औलाद कहा जाता है, लेकिन इस परिवार के पास कैसे आई कतर की कमान, ये जानने के लिए हमें चलना होगा कतर के इतिहास की गहराइयों में जो शुरू होता है हजारों साल पहले से। देश की राजधानी दिल्ली से 2587 किलोमीटर दूर वेस्टर्न एशिया में पर्शियन गल्फ के वेस्ट कोस्ट पर बसा है स्टेट ऑफ कतर। आज कतर मशहूर है अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ की ज्यादातर जमीन पर डेजर्ट और लाइमस्टोन प्लेटो हुआ करते थे। 11,581 स्क्वायर किलोमीटर में फैला कतर तीन तरफ से पर्शियन गल्फ से घिरा था जो कतर को बहरीन से अलग करती थी। इतिहास बताता है कि उस दौर में पर्शिया को फारस भी कहते थे और इसीलिए पर्शियन गल्फ का एक नाम फारस की खाड़ी भी था। साउथ में कतर अपनी इकलौती लैंड बाउंड्री सऊदी अरब से शेयर करता था। कतर में कोई नदी नहीं थी और बारिश भी काफी कम होती थी, यही कारण था कि यहाँ पीने के पानी की बेहद कमी थी। जमीन पर खेती ना होने की वजह से कतर के लोग मछली पकड़कर या मोती चुनकर गुजारा किया करते थे, लेकिन इतने बदतर हालातों के बावजूद सदियों से लोग कतर में रहते आ रहे थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो पता चलता है कि कतर में इंसानी कदम हजारों साल पहले ही पड़ गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में मिले बर्तनों से पता चलता है कि 5 से 6 हजार साल पहले भी कतर में लोग रहा करते थे। यहाँ खुदाई में मिले आर्टिकल्स ठीक वैसे ही थे जैसे कि साउथ मेसोपोटामिया में मिले थे। इसीलिए माना जाता है कि कतर में रहने वाले ये लोग इराक से आकर यहाँ बसे थे। 7th सेंचुरी के उमायद काल में जब अरब में इस्लाम आया तब कतर कैमल और हॉर्स ब्रीडिंग का मेन सेंटर बन गया। 13th सेंचुरी में यहाँ पर्ल इंडस्ट्री डेवलप हुई और 15th सेंचुरी में जब वास्को डी गामा भारत आया तब यूरोप के लोगों ने कतर का इस्तेमाल एक ट्रेड रूट के तौर पर करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जियोग्राफर पेटोलेमी ने जब पहली बार वर्ल्ड मैप बनाया और 1596 में लुइस लज़ारो ने जब वर्ल्ड एटलस बनाया तो उन्होंने कतर को एक किले के तौर पर दिखाया था। इतिहास के माने तो कतर लंबे वक्त तक पर्शियन एम्पायर का हिस्सा रहा। 17th सेंचुरी तक ओटोमन, सफाविद और पुर्तगीज कतर पर राज करने के लिए लड़ते रहे। 1766 में कतर की कमान कुवैत की खलीफा फैमिली के हाथों में थी जो बहरीन में रहकर कतर को रूल किया करते थे। कहते हैं कि उसी दौर में एक और खानाबदोश कबीला यहाँ पहुंचा और ये थे सऊदी अरब के अल थानी। कतर पर राज करने की जो चाहत बहरीन की खलीफा फैमिली को थी वो ही सऊदी के अल थानी परिवार को भी थी, इसीलिए दोनों के बीच जंग होती है। बहरीन के खलीफा अबू धाबी के किंग के साथ मिलकर अल थानी फैमिली को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि अल थानी फैमिली को अंग्रेजों का सपोर्ट था। अंग्रेजों की वजह से अल थानी जीत गए और बहरीन हार गया। अंग्रेजों ने कतर और बहरीन में एक पीस ट्रीटी पर सिग्नेचर करवाए और बहरीन को कतर को अलग और आजाद देश मानना पड़ा। हालांकि उसी दौर में ईस्टर्न अरेबिया पर ओटोमन एम्पायर का दबदबा फिर से बढ़ने लगा था। जब ओटोमन किंग्स ने कतर पर कब्जा जमाने की कोशिश की तब अंग्रेज फिर से कतर की मदद के लिए आगे आए। 19 जुलाई 1871 अंग्रेजों ने कई सारी गनबोट्स कतर की मदद के लिए भेजी। कतर की ताकत देख ओटोमन किंग को झुकना पड़ा और ओटोमन एम्पायर और कतर के बीच एक संधि हुई जिसमें उन्होंने कतर को अपना दोस्त माना और ये तय हुआ कि कतर के अमीर जैसन बिन मोहम्मद अल थानी कतर पर राज करते रहेंगे। लेकिन 19th सेंचुरी के आखिर में ओटोमन किंग और कतर के रिश्ते बिगड़ने लगे। नतीजा ये रहा
कि 1893 में दोनों के बीच द बैटल ऑफ अलवाजिब लड़ा जाता है। इसमें भी अल्थानी जीत जाते हैं और ऑटोमन किंग्स को कतर छोड़कर जाना पड़ता है। तब जासिम बिन मोहम्मद अल्थानी के बेटे अब्दुल्ला बिन जासिम अल्थानी ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि करते हैं। इस संधि में साफ लिखा गया था कि कतर के विदेशी और रक्षा मामलों को ब्रिटिशर्स देखेंगे, लेकिन अंदर की राजनीति से उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि कतर बन गया ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट और कतर के अमीर बन गए अब्दुल्ला बिन जासिम अल्थानी। अब कतर को अंग्रेजों का प्रोटेक्शन मिल गया और अल्थानी फैमिली यहाँ चैन से राज करने लगी। लेकिन ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था जिससे कतर की इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हुआ। कतर के लोग तो अब भी मछलियाँ और मोती चुन चुन कर ही गुजारा कर रहे थे। वही 1930 में आए जैपनीज कल्चर्ड पल्स ने यहाँ के मोती उद्योग को भी खत्म कर दिया। कभी तूफान तो कभी अकाल ने हालात इतने बदतर कर दिए कि लोग देश छोड़कर जाने लगे। कतर की आबादी महज 24,000 पर सिमट कर रह गई। लेकिन दुखान और नॉर्थ फील्ड में मिले ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व ने कतर के तकदीर को पलट कर रख दिया। हुआ यूं कि 1926 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के एक जियोलॉजिस्ट जॉर्ज मार्टिन लीस कतर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वे किया, लेकिन उन्हें कहीं पर भी तेल नहीं मिला। कई सालों तक ऑयल की तलाश में लगातार सर्वे होते रहे और 1939 में जाकर एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी और कतर पेट्रोलियम को दुखान फील्ड में एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व मिला। इसके कुछ सालों बाद मिला एक नेचुरल गैस रिजर्व जिसने कतर के वारे न्यारे कर दिए। ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से कतर ने इतना पैसा कमाया कि इसका इकोनॉमिकल ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। लेकिन अल्थानी फैमिली की किस्मत खुली 1968 में, जब अंग्रेजों ने कतर छोड़ने का फैसला किया। 3 सितंबर 1971 ब्रिटिशर्स कतर छोड़कर वापस ब्रिटेन लौट गए। कतर के अमीर पर यह प्रेशर था कि वो अपने देश को यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में मिला दें। यूएई 7 एमिरेट्स का एक फेडरेशन था जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, रास अल खैमा, अल क्वेन और फुजेरा शामिल थे। लेकिन कतर के अमीर अपने मुल्क को एक अलग पहचान देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कतर को यूएई और बहरीन से अलग एक आजाद देश घोषित कर लिया। बिना देरी किए इसी साल कतर ने यूनाइटेड नेशन को भी ज्वाइन किया और अरब कंट्रीज से अपने रिश्ते कायम रखने के लिए अरब लीग को भी ज्वाइन किया। 1981 में कतर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का मेंबर बना। कतर के अमीर ने यहाँ पर सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम सेटअप किया जिससे कतर में लोकतंत्र भी रहा और राजशाही भी। कतर में राजा की जगह ली यहाँ के अमीर ने। कतर के अमीर ही हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, फिर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स को कतर के अमीर ही अपॉइंट करते हैं। कतर के वैधानिक संस्था को कंसुलेटिव असेंबली कहते हैं जिसमें टोटल 45 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 15 को कतर के अमीर अपॉइंट करते हैं और 30 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें जनता चुनती है। हालांकि कतर में पहला इलेक्शन अक्टूबर 2021 में जाकर हुआ था। कतर एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ के बहुत सारे कानून शरिया लॉ के हिसाब से है। अल्थानी फैमिली यहाँ पर जनरेशन वाइज रूल करती है। कतर के हाल ही के अमीर हैं तमीम बिन हमाद अल्थानी। अल्थानी फैमिली को पता था कि कतर पर रूल करने के लिए उन्हें पहले अपने लोगों को खुश रखना होगा, इसलिए जब 2000 के दशक में कतर की जीडीपी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी बनी, तब उन्होंने कतर के लोगों को भी इसका भरपूर फायदा दिया। उन्होंने एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज को फ्री कर दिया। पर्सनल इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया और सेल्स टैक्स से भी आज़ादी दे दी। इससे कतर के लोगों का पैसा उन्हीं के पास बच जाता और वो इसे अपने लग्जरी पर खर्च करते। कतर के अमीर ने यहाँ की खूबसूरती और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने पर भी खूब ध्यान दिया। कतर गवर्नमेंट ने यहाँ पर नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर बनवाया जिसका डिजाइन कतर के डेजर्ट में मिलने वाले एक पिस्टल फ्लावर डेजर्ट रोज से मिलता जुलता है। कतर का म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और दोहा की मिनी वेनिस सिटी भी बेहद खूबसूरत है। कतर में फाल्कन पालना आम बात है और यहाँ उनके लिए अलग से हॉस्पिटल है, उनका अलग से पासपोर्ट बनता है और वो फ्लाइट्स में भी आते जाते हैं। अब कतर में हर तरफ अमीरी और पैसा ही पैसा नजर आने लगा। इससे जनता को भी अल्थानी परिवार से कोई नाराजगी नहीं रही और कतर ने काम करना शुरू किया
अपनी फॉरेन पॉलिसी पर। कतर के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो यूएई, बहरीन और सऊदी अरब जैसे ताकतवर पड़ोसियों से घिरा था। वहीं कतर की टोटल पॉपुलेशन में 90% लोग भी विदेशी थे। कतर की आबादी महज 3 लाख की है। जब यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हुए तो दुनिया भर से काम करने के लिए लोग यहाँ आए। देखते ही देखते कतर में 25 लाख विदेशी लोग जमा हो गए, जिन्हें वो सुविधाएं नहीं दी गई जो कतर के लोगों को मिली थी। लेकिन यहाँ पैसा अच्छा मिलता था, इसीलिए दुनिया भर के देश, खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर रहने लगे। इनमें से ज्यादातर लेबर्स हुआ करते थे जो पैसे के लालच में कतर आ तो जाते, लेकिन अगर ये अपने मालिक की परमिशन के बिना नौकरी बदल लेते तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता या फिर वापस उनके देश भेज दिया जाता। इसे कफाला प्रथा कहा जाता था, जिसे 2020 में जाकर कतर ने खत्म तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर रहने वाले वर्कर्स अब भी गरीबी में जीते हैं। ऊपर से कतर का कानून काफी सख्त है। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर में सजा पाए विदेशी को बचाव के लिए कतर का वकील ही चुनना पड़ता है। पहले तो ये वकील विदेशियों का केस लेने को तैयार नहीं होते, और अगर मुश्किल से कोई मान भी जाए तो उसकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि कतर में बहुत कम लोग ही इंग्लिश समझ पाते हैं। यहाँ पर सजाए मौत देने का भी तरीका बिल्कुल अलग है। अगर किसी को सजाए मौत मिलती है तो उसे फांसी नहीं दी जाती, बल्कि फायरिंग स्क्वाड उसे शूट कर देती है। 2020 में कतर ने नेपाल के एक शख्स अनिल चौधरी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे फायरिंग स्क्वाड ने गोलियों से भून कर रख दिया था। इसी तरह इंडिया के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को भी सजाए मौत देकर कतर ने सबको चौंका दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कतर ने इन्हें जासूसी के आरोप में ये सजा सुनाई थी, और इनकी सजाए मौत को माफ करवाना भारत के लिए आसान नहीं था। भारत कतर के इस फैसले पर हैरान था, लेकिन उसने बिना देरी किए इन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को छुड़वाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बिना मीडिया में कोई बयानबाजी किए सबसे पहले उन्हें काउंसलर एक्सेस दिलवाया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भरोसेमंद ऑफिसर दीपक मित्तल को इस मिशन की कमान दी। दीपक मित्तल कतर में भारत के राजदूत रह चुके थे और उनके कतर के ऑफिसर्स और लीडर्स के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे। दीपक इंडिया की तरफ से कोर्ट की सुनवाई में भी हिस्सा लेते और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी कांटेक्ट में रहे। कहते हैं कि अमीर के पास सजाए मौत माफ करने का हक होता है, और 18 दिसंबर को कतर के नेशनल डे के दिन वो ऐसा करते हैं। उधर एनएसए अजीत डोभाल भी लगातार कतर जाते रहे और कतर पर सजाए मौत को बदलने का प्रेशर बनाते रहे। 1 दिसंबर 2023 को दुबई में हुए COP28 समिट में पीएम मोदी खुद कतर के अमीर से मुलाकात करते हैं। उन्होंने अमीर से ये भी पूछा कि हमारे भारतीय कैसे हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक में दोनों के बीच इन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स की सजा को लेकर बात हुई थी। फरवरी 2024 में इंडिया और कतर के बीच गोवा में एक डील साइन हुई, जिसमें ये तय हुआ कि इंडिया कतर से 2048 तक हर साल 75 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी खरीदेगा। ये डील 78 अरब डॉलर यानी कि 6,47,000 करोड़ रुपए में हुई, और भारत कतर की एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। अब कतर इतने बड़े क्लाइंट को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए इस डील के कुछ दिनों बाद ही कतर ने 7 नेवल ऑफिसर्स को सही सलामत भारत वापस भेज दिया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया और कतर के बीच जो गैस डील हुई उसकी वजह से कतर ने इन नेवी ऑफिसर्स को रिहा कर दिया, लेकिन वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसके पीछे की वजह पैसा नहीं बल्कि इंडिया के साथ कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, जिन्हें खराब करना कतर के लिए घाटे का सौदा होता। अब वो कैसे? इसके पीछे भी एक अलग कहानी है जो अल थानी फैमिली की हिस्ट्री से जुड़ी है। दरअसल ये बात 1995 की है। कतर के अमीर खलीफा बिन हमाद अल थानी स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए थे, तब पीछे से उनके शहजादे हमाद बिन खलीफा अल थानी ने उनका तख्ता पलट करके खुद को कतर का नया अमीर घोषित कर दिया। इससे सऊदी अरब और कतर के बाकी पड़ोसी टेंशन में आ गए, क्योंकि जब तक हमाद के पिता खलीफा बिन कतर के अमीर थे तब तक कतर ने विदेशी मसलों में ना पड़ने की पॉलिसी को अपना रखा था।
लेकिन हमाद ने अमीर बनते ही कतर के फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने कतर का पैसा विदेशों में इन्वेस्ट करवाया ताकि कतर एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर बन जाए और दुनिया को कतर की बात सुनने पर मजबूर होना पड़े। अल्थानी फैमिली ने अकेले ब्रिटेन में 50 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए। कतर ने अपने एक न्यूज चैनल अल जजीरा की शुरुआत की जो अरब वर्ल्ड की बड़ी आवाज बनकर उभरा। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ी जब शेख हमाद ने अपने पड़ोसी सऊदी अरब पर तख्ता पलट करने का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। इसके बाद सऊदी और कतर के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन इसकी परवाह किए बिना 2013 में अमीर हमाद बिन खलीफा अल थानी ने अपने बेटे तमीम बिन हमाद अल थानी को कतर का नया अमीर बना दिया। तमीम उस वक्त महज 33 साल के थे, लेकिन वो अपने पिता से दो कदम आगे निकले। हुआ यूं कि 3 जुलाई 2013 को इजिप्ट के आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल सीसी ने मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटा दिया। अब जिस मुस्लिम ब्रदरहुड को बहरीन, मिस्र, रूस, सीरिया और सऊदी अरब ने खुद एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन माना, कतर ने उसे दोहा में अपना ऑफिस खोलने की परमिशन दे दी। दोहा कतर की कैपिटल सिटी है जहां पर कतर की 80% आबादी रहती है। यहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड को आने की परमिशन देने के साथ ही कतर दूसरी अरब कंट्रीज के निशाने पर आ गया। मार्च 2014 में सऊदी अरब, बहरीन और यूएई ने दोहा से अपने राजदूत बुला लिए। मामला शांत करने के लिए कतर ने मुस्लिम ब्रदरहुड को टर्की शिफ्ट कर दिया। लेकिन इजिप्ट ने एलिगेशन लगाए कि कतर का न्यूज चैनल अल जजीरा फर्जी खबरें दिखा रहा है। इधर सऊदी अरब, बहरीन और यूएई ने भी कहा कि कतर उनके इंटरनल मैटर्स में दखल दे रहा है। हालात ये हो गए कि अपने पड़ोसी देशों से कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशन तेजी से खराब होने लगे और 2017 आते आते यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, यमन और लीबिया ने कतर से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने अपने एयर स्पेस को कतर के लिए ब्लॉक कर दिया और आर्थिक पाबंदियां भी लगा दी, जिसके बाद अमेरिका को बीच में आना पड़ा और उसी ने कतर और सऊदी अरब के बीच सुलह करवाई। अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब मान तो गया, लेकिन दोनों देशों के बीच खींचतान अब भी चलती रहती है। यही कारण है कि कतर इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहता। कतर की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि ये देश हमेशा खुद को मुस्लिमों का हिमायती दिखाने की कोशिश करता रहा है। कतर ने ही गजा के टेररिस्ट ग्रुप हमास और अफगानिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तालिबान को अपने यहाँ ऑफिस खोलने की परमिशन दी थी। अलकायदा और मुस्लिम ब्रदरहुड को फंडिंग देने के आरोप भी कतर पर लगते हैं। कहते हैं कि 16 दिसंबर 2015 को कतर रॉयल फैमिली के 28 लोग हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने इराक गए थे। तब उन्हें शिया लड़ाकों ने किडनैप कर लिया था। कतर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए $1 अरब की फिरौती दी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि ये पैसा गया कताइब हिजबुल्ला, तहरीर अल शाम और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के पास, जिन्हें खुद अमेरिका टेररिस्ट मानता है। बीजेपी की एक्स स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर भी कतर ने ही सबसे पहले रिएक्ट किया था और इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। कतर खुद को मुस्लिमों का मसीहा दिखाने की कोशिश करता है। खुद कतर के अमीर दुनिया के तीसरे सबसे प्रभावशाली मुस्लिम है। पैसों के दम पर उन्होंने अरबों डॉलर खर्च करके फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया। वहीं विदेशों में अपने इन्वेस्टमेंट के दम पर उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन को भी अपने साथ कर लिया। मीडिया एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अमेरिका का सपोर्ट है, इसीलिए यहाँ के अल्थानी खानदान को किसी का डर नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग कतर को फारस की खाड़ी की बिगड़ी औलाद भी कहते हैं। अपने लोगों के लिए कतर काफी सेफ है, ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, लेकिन विदेशियों के लिए ये बिल्कुल अलग है। कतर का कानून शरिया के हिसाब से चलता है और यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए लोगों को 25 साल तक कतर में ही रहना पड़ता है। हाल ही के सालों में कतर अपने एक्सपोर्ट के साथ साथ टूरिज्म पर भी फोकस कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में इंडिया उसके बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। यही कारण है कि कतर भारत के साथ अपने अच्छे रिश्ते कायम रखना चाहता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ ऐसा नहीं है।
क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ कतर के आसपास के सारे एमिरेट्स को वो ही कबीलाई परिवार रूल करते हैं जो कभी खानाबदोश बनकर दर दर भटका करते थे। आज इन सबके बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती है और हर कोई खुद को ऊपर दिखाना चाहता है। अब इतना तो आपने जान ही लिया है कि अल-थानी फैमिली को कतर की कमान कैसे मिली, लेकिन क्या आप सऊदी अरब और यूएई की हिस्ट्री जानते हैं? मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज का इतिहास अपने आप में खास है, जिनकी कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा, साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। अपने सजेशन और क्वेश्चंस आप हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।